सो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक 1857 के रिवोल्ट के बाद जो बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है राष्ट्रीय आंदोलन में और उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है 1858 का एक्ट। दोस्तों 1857 के रिवोल्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का इतना से फुल स्टॉप था और कहा जाता है कि उनका रूल यहाँ पे हिंदुस्तान में उसका अंत हुआ, एंड हुआ वो, और ब्रिटिश क्राउन का रूल हिंदुस्तान में स्टार्ट हुआ। तो इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज है वहीं पर इसकी घोषणा की गई, यानी डिक्लेरेशन किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रिवोल्ट को खत्म किया जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को खत्म किया जा रहा है और अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन हिंदुस्तान का रूल रन करेगा। तो प्रयागराज में ये घोषणा की गई। तो दोस्तों इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस समय 1857 का रिवोल्ट हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जैसा हमने आपको यहाँ पे लिखा है लॉर्ड कैनिंग, 1857 के रिवोल्ट के समय लॉर्ड कैनिंग हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। और जब 1857 का रिवोल्ट हुआ ब्रिटिश क्राउन ने रूल स्टार्ट किया, 1858 का एक्ट डिजाइन किया गया, उस समय लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जगह अब उनको वॉइसराय नाम दिया गया, उनको उनके जो डेजिग्नेशन था वो हिंदुस्तान में वॉइसराय उनको बोला गया। यानी 1857 के बाद 1858 से अब जितने भी यहाँ पर हेड आएंगे ब्रिटिश क्राउन के उनको वॉइसराय का टाइटल या एक उनके पद, उनके ओहदे का नाम होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग एंड फर्स्ट वॉइसराय ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड कैनिंग। वॉइसराय का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्वीन, यानी अब आप क्राउन के प्रतिनिधि हैं और अब आपको कुछ भी अगर हिंदुस्तान करना है तो आपको ब्रिटिश क्राउन से परमिशन लेनी होगी। इससे पहले आपको ये समझाते हैं कि ब्रिटिश क्राउन ने हिंदुस्तान पे रूल क्यों शुरू किया। ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी, इसको 1600 में हिंदुस्तान में बिजनेस करने की परमिशन मिली क्वीन से। इन्होंने यहाँ पे रूल शुरू, एक तरह से बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन जब इन्होंने हिंदुस्तान की कंडीशन देखी, लेटर मुगल्स जब वहाँ पर आए और हिंदुस्तान की इकॉनमी शेक की, हिंदुस्तान की सेंट्रलाइज सिस्टम शेक हुआ, तो धीरे धीरे इन्होंने हिंदुस्तान के रियासतों पर कब्जा किया। जैसा हमने आपको बताया बंगाल पलासी वॉर हुई, फिर बैटल ऑफ बक्सर हुई, फिर मराठों को उन्होंने डिफीट किया, उस समय मैसूर जो हैदर अली और टीपू सुल्तान रूल करते थे उनको डिफीट किया, पंजाब में जो एक सिख सत्ता चल रही थी महाराजा रंजीत सिंह को इन्होंने डिफीट किया, सिंध को इन्होंने कैप्चर किया और अफगानिस्तान तक इन्होंने अटैक किए। तो जो जो इनके कब्जे में आता चला गया वो एक हिंदुस्तान की वो शेप बनती चली गई, और जिससे ये जीत नहीं पाए या जिसको इन्होंने ये हरा नहीं पाए वो हिंदुस्तान के नक्शे से इन्होंने अलग कर दिया। तो कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस तरह से हिंदुस्तान का शोषण किया उसके बाद ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दादाभाई नौरोजी ने दी, और कहा जाता है दादाभाई नौरोजी जिनको हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, उनकी बहुत फेमस किताब है जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी गई है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उस किताब में उन्होंने बताया कि किस तरह से हिंदुस्तान का शोषण हो रहा है और किस तरह से हिंदुस्तान का पैसा बाहर जा रहा है। तो 1857 का जब रिवोल्ट हुआ, क्वीन को जब ये पता लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान पे कब्जा करके बैठी हुई थी, तो क्वीन को क्राउन को बहुत बुरा लगा, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस बुलाया और उन्होंने उनसे कहा कि वापस आए और अब हम रूल करने वहां पे जाएंगे। यानी बुरा इस सेंस में लगा कि आप अकेले ही हिंदुस्तान को लूट गए और आपने इसका कोई शेयर क्राउन को नहीं सौंपा। तो ब्रिटिश क्राउन की के शासन की जो शुरुआत है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हुई, कैनिंग ने रूल संभाला और सिस्टम जो बनाया गया 1857 में वो ये था कि वॉइसराय कोई भी अगर काम करेगा तो उसको रिपोर्ट करना है लंदन में, और लंदन में एक होगा इंडियन ऑफिस, और उस इंडियन ऑफिस में जो बॉस होगा उसका नाम होगा इंडियन सेक्रेटरी, यानी जिसको हम लोग भारत सचिव के नाम से जानते हैं। तो उसके अंडर में टोटल 15 मेंबर की टीम होगी, 15 मेंबर की टीम होगी। ये वॉइसराय लंदन में इंडियन ऑफिस को रिपोर्ट करेगा और इंडियन ऑफिस रिपोर्ट करेगा उस समय ब्रिटेन की पार्लियामेंट को, और ब्रिटेन की पार्लियामेंट परमिशन देगी क्वीन से। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से ये एक सिस्टम बना, और ये क्वीन यहाँ पे अपनी कंसेंट देगी और वो वॉइसराय तक मैसेज आएगा और फिर वो उसका एग्जीक्यूशन करेगा वॉइसराय।
तो हमने आपको ये बताने की कोशिश करी कि वॉइस रॉय जो है वो एक तरह से अब क्वीन के अंडर में अब उसका रूल होगा। इसके बाद 1858 के बाद से लेकर 1947 तक अब क्राउन का रूल है, लेकिन 1858 से लेकर 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये जो टाइम फ्रेम है, इसके बीच में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी पर्सनैलिटीज आई जिन्होंने हिंदुस्तान में एक तरह से ब्रिटिश हुकूमत के अगेंस्ट एक मैसेज स्प्रेड करा। उसमें उत्तर प्रदेश की बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज का योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशन माना गया, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो रही वो थी भारतेंदु हरीश चंद्र जी। भारतेंदु हरीश चंद्र जिनको हम हिंदुस्तान में हिंदी लिटरेचर का पिता इनको कहा जाता है, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो टाइम पीरियड है 1850 से लेकर 1885 तक इनका लाइफ स्पैन है, और 1850 में इनका बर्थ बनारस में हुआ, 1885 में इनकी डेथ भी बनारस में हुई। भारतेंदु हरिश्चंद्र उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, इनको भारतीय सिनेमा का थिएटर, भारतीय थिएटर, हिंदी थिएटर का पिता कहा जाता है, और इनकी जो उस समय की बहुत इंपॉर्टेंट बुक थी जिसका नाम है कवि वचन सुधा, और दूसरी इनकी जो बुक थी भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, चौपट राजा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट उस समय की बुक्स रही जिन्होंने उस समय की हिंदुस्तान की दशा को एक्सप्लेन करा, जनमानस तक पहुंचाया। भारतेंदु हरिश्चंद्र को एक तरह से आधुनिक हिंदी भारत का पिता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी बुक के माध्यम से राष्ट्रीयता का प्रचार और प्रसार किया। और इसी में एक दूसरी इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटी है वो है बाल कृष्ण भट्ट, जिनकी हिंदी प्रदीप एक बहुत अच्छी बुक मानी जाती है, और इसके अलावा दयानंद सरस्वती का नाम आपने सुना होगा, आर्य समाज, 1875 मुंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने अपना बहुत सारा जो मैसेज आर्य समाज का था वो उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पे, आर्य समाज के कुछ सब हेडक्वार्टर्स उस समय स्टैब्लिश हुए, और इनका एक नारा था बैक टू वेदास, यानी इन्होंने एक तरह से हिंदी को दोबारा से स्टैब्लिश किया। सत्यार्थ प्रकाश इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक रही। इसके बाद दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया देवबंद, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको कहा जाता है देवबंद, एक मदरसा स्थापित हुआ देवबंद में। देवबंद ने मोहम्मद ननोत्री एंड राशिद अहमद गंगोई ने देवबंद मदरसे की स्थापना की 1867 में, और इस मदरसे का जो मेन फंक्शन था या उस समय जो एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन सार था वो था कुरान और हदीस की शिक्षा देना, और उस समय के जो मुस्लिम समाज था उसको टीच करना। दारुल उल उलूम की स्थापना की गई, लेकिन कहा जाता है देवबंद के जो कॉन्फ्लिक्ट है देवबंद मदरसे के, वो सर सैयद अहमद खां के साथ रहे। सर सैयद अहमद खां उस समय एक ऐसी पर्सनैलिटी थे जिनके बारे में कहा जाता था कि ये ब्रिटिश शासन को थोड़ा फेवर करते हैं, जैसे अगर आपने सुना हो साइंटिफिक सोसाइटी 1867 में, और एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई 1875 में, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस हुआ, और तहजीब उल अखलाक एंड राजभक्त मुसलमान, ये सब जो संगठन थे या जो पत्रिकाएं थी ये कहीं ना कहीं हिंदू, ये कहीं ना कहीं एक तरह से ब्रिटिश शासन को फेवर करती थी, इसीलिए इनके कॉन्फ्लिक्ट रहते थे सर सैयद अहमद खान से। लेकिन ये कहना बहुत उचित होगा कि सर सैयद अहमद खान ने उस समय ब्रिटिश शासन में जो मुस्लिम एक समाज था जो अपने आप को उस समय बहुत ही बैकवर्ड समाज समझता था, उसमें एक बहुत अच्छी टीचिंग इन्होंने दी, उसको एजुकेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका इन्होंने निभाई। और इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी स्वामी श्रद्धानंद जी, जिन्होंने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की 1902 में। लेखराम जी इनके साथ थे, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई।
इसके अलावा एनी बेसेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया 1898 में, और वही आगे चलकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस हुआ। कहते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे हम BHU बोलते हैं, 1915-16 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहा 1858 से लेके 1885 कांग्रेस की स्थापना से पहले। असल में इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये था कि जब 1858 में क्राउन का रूल आया तो इंडियंस जो भारतीय थे उस समय उनके मन में एक ये आशा की किरण थी, रे ऑफ होप, कि अब क्राउन का रूल हिंदुस्तान में आ चुका है और शायद अब हमारा उस लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन या शोषण नहीं होगा, शायद अब हमारी बात सुनी जाएगी। लेकिन हम बहुत डिसअपॉइंट हुए जब हमको ये बात पता लगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से ज्यादा बैड एक्सप्लॉयटर क्राउन का रूल माना गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की आंखों में एक शर्म थी। शायद ईस्ट इंडिया कंपनी को लगता था कि वो एक बिजनेस वीजा यहाँ पे लेकर आए हैं, और अगर यहाँ पे शोषण की इंतहा पार हुई, एक्सप्लॉयटेशन की हदें पार हुई, तो शायद यहाँ पे कोई हो हल्ला हो और ब्रिटिश क्राउन को ब्रिटेन में पता लगे। लेकिन ब्रिटिश क्राउन का जब रूल यहाँ पर आया तो इनको किसी का फियर नहीं था, और इन्होंने बहुत जम के अच्छे से हिंदुस्तान का ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ और हिंदुस्तान को और दबा दिया गया, कुचल दिया गया। तो ये जितनी परसेंटलीज हमने आपको बताई उत्तर प्रदेश में, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था नदमा उल उलमा, जिसमें कहा जाता है कि ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस ऑर्गेनाइजेशन ने।